हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वर्षद लाल एंड यू आर वाचिंग यूनिक डिजिटल कैंपस। हमारा लेक्चर किसका चला हुआ है? न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का। इससे पहले हमने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, उसकी क्लासिफिकेशन देखी थी और उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी हमने, क्या क्या होती हैं। और इससे पहले क्या पढ़ा था हमने, एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बहुत ही, वो क्या है, पैरिटी ऑफ न्यूक्लियस। इसके जो आज हम लेक्चर करने जा रहे हैं वो किसके ऊपर है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, मास डिफेक्ट। आप मास डिफेक्ट तक पहुंचने से पहले आपको न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। आप चाहे तो मेरी वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो हम इसी लेक्चर में उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस हमारा कैसा होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, सारा का सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज बहुत ही छोटे वॉल्यूम के अंदर ही हमारा जो प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। मान लो ये हमने न्यूक्लियस ले लिया, ये ले लिए हमने प्रोटॉन्स और ये ले लिए हमने न्यूट्रॉन्स। क्या होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। किसी भी एटम को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स इंटू जेड इंटू यहाँ ऊपर ए, नीचे जेड इंटू एक्स। एक्स हमने इसके अंदर क्या लिया है, एक्स होता है हमारा इसके अंदर कोई भी एलिमेंट। जेड, जेड क्या है हमारा, जेड है हमारा एटॉमिक नंबर। क्या है हमारा जेड इसके अंदर, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। क्या होते हैं हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ए, इसके अंदर जो ए है वो क्या लिया हमने, ए है हमारा मास नंबर। क्या है हमारा ए, मास नंबर। मास नंबर के अंदर क्या होते हैं हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं प्लस क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या होते हैं हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और जब इनके सम को क्या बोलेंगे हम, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलेंगे हम इनके सम को, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे। तो ये हमने क्या देख लिया, एटॉमिक नंबर देख लिया एंड क्या देख लिया हमने, मास नंबर के बारे में देख लिया। इसके बाद क्या देखेंगे हम, इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है, किसका, मास ऑफ न्यूक्लियस। इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या होता है हमारे, जेड। जेड के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, जेड इंटू एम पी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मीन्स ए माइनस जेड। न्यूट्रॉन्स हमारे किस तरीके से आते हैं, जब हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को हम इसका माइनस कर देंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएंगे हमारे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या आएंगे हमारे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ए माइनस जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू एम एन, क्या ले लिया हमने, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये क्या आ गया हमारा, मास ऑफ न्यूक्लियस आ गया। जब हम एलिमेंट का निकालेंगे, एलिमेंट हमने किसी भी एलिमेंट का निकालेंगे तो क्या लिया हमने इसके अंदर, एक्स लिया है। ये क्या है, मास ऑफ कोई भी एलिमेंट। क्या ये हमारा, मास ऑफ एलिमेंट। अब इसके अंदर देखेंगे कि हम मास डिफेक्ट क्या निकालेंगे, मास डिफेक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट कर लेंगे, डेल एम से। डेल एम क्या है हमारा इसके अंदर, ये हमने क्या ले लिया है, मास डिफेक्ट ले लिया है। डेल एम हमने क्या ले लिया है, मास डिफेक्ट ले लिया है। जो हमने ये वाली वैल्यू निकाली थी और ये हमने ये वाली वैल्यू निकाली थी, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा, मास डिफेक्ट आ जाएगा। जैसे जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन
माइनस एम एक्स, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा मास डिफेक्ट। क्या है मास डिफेक्ट? जब हम मास ऑफ न्यूक्लियस को लेके चलेंगे और किसी भी जो एलिमेंट है उसका मास है, जब उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा मास डिफेक्ट आएगा। जैसे हम कोई एक एग्जांपल लेके चलते हैं, क्या एग्जांपल लेंगे हम हीलियम का एग्जांपल लेंगे। क्या एग्जांपल लेंगे हम? हीलियम का एग्जांपल लेंगे। इसके अंदर क्या देखेंगे, एटॉमिक नंबर हमारा कितना है इसके अंदर? 2 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, जेड क्या होते हैं हमारे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे क्या आएंगे, 2 आएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, जब हम ए माइनस जेड करेंगे, मास नंबर को जब हम एटॉमिक नंबर में से माइनस कर देंगे तो वो क्या आएंगे हमारे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर हमारा 2 है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स क्या हमारे 2 हैं। अब हम इसको उस मास ऑफ न्यूक्लियस में देते हैं। क्या थी हमारी इक्वेशन, हमारी इक्वेशन थी ये, जब हम इन सभी को इसके अंदर पुट करेंगे तो ये देखिए 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना हमारा 2, प्लस ए माइनस जेड, ए माइनस जेड कितना हमारा 2 इंटू एम एन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हमारे 2। इसके अंदर जो मास ऑफ प्रोटॉन्स होगा और जो ये क्या लिया हमने, मास ऑफ प्रोटॉन्स लिए हमने, इसके अंदर ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, अभी बताती हूँ मैं आपको। जब हम इसको इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर रखेंगे तो हमारी मास ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू हमारी होती है 1.00 इतनी, और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स की हमारी वैल्यू होती है, ये होती है हमारी मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की। जो इसके अंदर जो हम मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन लेके चलेंगे वो हम ये वैल्यूज लेके चलेंगे, और जो जेड होता है हमारा वो हमारा हीलियम के अंदर 2 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है हमारे हीलियम के अंदर, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2। जब हम इन सभी को इसके अंदर रखेंगे, इन वैल्यूज़ को हम इसके अंदर रखेंगे, किसको, मास ऑफ प्रोटॉन को, और किसको रखेंगे हम, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स को, तो हमारी जो इन सभी को सॉल्व करके जो इक्वेशन आएगी 4.03 इसके अराउंड आएगी, किसके अराउंड आएगी, जब हम इसको इसके अंदर रखेंगे 4.0324 यू है ये हमारा। यू किसके लिए थे हमने, जो इनके अप्रोक्सीमेटली हम इसको ए एम यू एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम ए यू भी लिख सकते हैं, अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं दी होती जब, तो हम इसको 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट भी हम लेके चल सकते हैं, इस तरीके से हम लेते हैं। हमारा जो मास ऑफ हीलियम होता है वो क्या होता है हमारा 4.0034, ये होता है हमारा मास ऑफ हीलियम। और जो मास डिफेक्ट आया है हमारा वो कितना आया है, मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस जब हमने इसका निकाला है तो 4.032। अब हम क्या निकालेंगे, मास डिफेक्ट निकालेंगे कितना आया, ये वैल्यूज को जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, 3 माइनस 4.0034, जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या वैल्यूज आएगी हमारी, हमारी आएगी 0.02929 ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा डेल एम, जो कि क्या है हमारा मास डिफेक्ट। ये क्या वैल्यूज आ गई हमारी, क्या आ गई हमारा मास डिफेक्ट की वैल्यू आ गई। जब हम मास डिफेक्ट को इन केजी में निकालेंगे, किस में निकालेंगे, इन केजी में, जब हम मास डिफेक्ट को
इन केजी में करेंगे तो क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारी ये वैल्यूज आई है 2929 इंटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू माइनस 27। जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, केजी के अंदर आ जाएंगी। क्या वैल्यूज़ आएंगी जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 10^-29 केजी। क्या आ गई ये हमारी इन केजी के अंदर आ गई। अब हम इसकी न्यूक्लियर एनर्जी निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, न्यूक्लियर एनर्जी, वो क्या होती है हमारी mc² की। हम इसमें क्या लेके चल रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए हम इसमें eb लिख लेंगे, क्या होगी mc². मास की, मास की वैल्यू क्या है हमारी 4.8644 इंटू 10^-27। एंड सी क्या है इसके अंदर, स्पीड ऑफ लाइट। क्या हमारा सी, स्पीड ऑफ लाइट। जब हम इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू रखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है 3 × 10^2। जब इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे, तो हमारी जो एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आएगी, 4.7 समथिंग कुछ आएगी। क्या आएगी, 377-377-65। ये क्या आ जाएगी हमारी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी को हम किस में लेते हैं, हम जूल में लेके चलते हैं। किस में लेके चलते हैं, हम जूल में। जब हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, एनर्जी किस में होती है हमारी, जूल में होती है। लेकिन जब हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन जो इस वैल्यू को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 1.6 × 10^-19 कूलाम। किसकी वैल्यू, ई की 1.6 × 10^-19 कूलाम, इससे हम डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यूज किस में आ जाएगी हमारी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ जाएगी, 4.37765/1.6 × 19। किस में वैल्यूज आ जाएंगी ये हमारी, किस में वैल्यूज आएंगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या वैल्यू आएगी हमारी, 27.4 × 10^6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 10^6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 MeV। किस में आ गई है हमारी बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई। ये क्या आ गई हमारी बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ गई। ये तो हमने निकाली है मतलब सभी के लिए जितने भी इसके अंदर है। अगर हम पर न्यूक्लियॉन के लिए निकालें तो बाइंडिंग एनर्जी हमारी क्या होगी, उसको हम मास नंबर से डिवाइड कर देंगे। ये जो आई है हमारी वैल्यूज़ बाइंडिंग एनर्जी की, अगर हम पर न्यूक्लियॉन की निकालेंगे तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम मास नंबर से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एग्जाम्पल हम किसका लेके चल रहे हैं, एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं हीलियम का। और हीलियम का मास नंबर कितना होता है, हीलियम का मास नंबर हमारा होता है 4। जब हम इस वैल्यू को मास नंबर 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं, हम जब हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो हम eb ली थी हमने पर न्यूक्लियॉन की, निकालेंगे तो eBL ले लेंगे हम। ये हमारी 27.4 आई थी बाय मास नंबर, मतलब इसको eb/a। ये क्या हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का फॉर्मूला है। इसको जब हम मास नंबर के, हीलियम एटम का मास नंबर कितना होता है 4, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितना आ जाएगा, 6.8। ये क्या आ जाएगी हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट। क्या आ गई हमारी ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की, किसकी, हीलियम। जब हमने कौन सा एलिमेंट लिया था, हीलियम। इस तरीके से हम एक एक करके निकाल सकते हैं, हम सारों की भी निकाल सकते हैं। तो हमने ये इसके अंदर ये फॉर्मूला देखे। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
आप एक बार पिछले लेक्चर देख लें, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आना चाहिए, तभी आपको ये बाइंडिंग एनर्जी जो है वो समझ में आएगी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आज का लेक्चर यही समाप्त होता है, कल के लेक्चर में हम मिलेंगे।